दूसरी बात, पार्षद की व्यथा आपने सुनी, आठ कंप्लेन उन्होंने यहाँ कराई, एक माह से संत वो बड़े महल्ले प्रभावित है, एक महीने से पानी नहीं आ रहा है और यहाँ बैठे हुए सचिव महाप्रबंधक जेई केवल पहाड़ा और गिरती पढ़ाते हैं कि आज योगी जी आ गए, कल मोदी जी आ जाएंगे, परसों फलाने जी आ गए। इनकी ड्यूटी जनता को जल सप्लाई के लिए दी गई है या इन नेताओं की चमचागिरी और चपरासी भी करने के लिए दी गई है? एक एक लाख की तनख्वाह इस सचिव को और जे और इंजीनियर को किस बात की मिलती है? ये किसका पैसा मिलता है? हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है, उस पैसे से वेतन पाने वाले जनता को जो असली मालिक है उसके साथ जो सलूक हो रहा है पिछले एक महीने से, हमारे बीच में नीलमणि पांडे की बैठे हुए हैं, उसको फोन पर बताया, कई कंप्लेन है उनके हाथ में अभी पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं। पूरा जल संस्थान आम के नशे में डूबा हुआ है। इसको मैं कान खोल कर चेतावनी इनको देना चाहता हूँ, कान खोल कर सुनो, ये कांग्रेस पार्टी के लोग और क्षेत्रीय लोग हैं, हम जानते हैं कैसे काम कराया जाता है। बिना हवाली सभासद हमारे सम्मानित कांग्रेस के सभासद लगातार झूठा आश्वासन देकर यहाँ से भेजा गया, उन्होंने जाकर जनता को वही बात बताई, साजिश की तू नजर आती है, सभासद की छवि को पूरी करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।